हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स एंड माय नेम इज़ प्रथम एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। सो टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 2.0 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी 5th चैप्टर। तो आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पिछला जो टॉपिक था वो था हमारा जो हमारा पिछला टॉपिक था वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था। तो आज हम उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है वो करेंगे। टुडेज टॉपिक इज लिंकेज, ठीक है, लिंकेज करेंगे, रिकॉम्बिनेशन भी आपको साथ में समझ आ ही जाएगा, है ना। परफेक्ट मोटिव हमारा लिंकेज है, ठीक है, लिंकेज को समझना है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको रिकॉम्बिनेशन भी सब कुछ करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। बहुत आसान टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो आज हमारा टॉपिक ये है, तो इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंकेज क्या है, ठीक है। लिंकेज को समझने से पहले इसके वर्ड का मीनिंग को समझो, इसके वर्ड को समझो, जो लिंकेज का मतलब क्या है। लिंकेज का क्या मतलब है? लिंकेज का मतलब है लिंक, मतलब कि किसी भी किसी के साथ लिंक होना। Like, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके कोई फ्रेंड हो, है ना, और वो कहीं पर भी घूमने जाना हो, बट वो अकेला नहीं जाएगा, आपको साथ लेकर जाएगा। वो अकेला भी घूम सकता है बट नहीं, वो आपको साथ लेकर जाएगा। तो ये क्या है? आपका और उसमें कोई लिंक है, है ना, वो दोस्ती, है ना। लाइक हमारी क्लासरूम में भी बहुत से स्टूडेंट, अगर बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ दो पीछे बैठे तो उनकी सारी टोली पीछे जाकर बैठ जाती है, है ना। क्या है? तो उनका कोई लिंक है, है ना। तो लिंकेज भी कुछ ऐसा ही है। लिंकेज का मतलब कि किसी का किसी के साथ लिंक होना, है ना। अब ये बात होती है क्रोमोसोम्स में, ठीक है, क्रोमोसोम्स में ये बात होती है। क्रोमोसोम्स में हमारे जो जीन्स होते हैं, है ना, उसमें ये लिंकेज आती है, ठीक है। तो आपा पहले लिंकेज की डेफिनेशन और उसका मतलब समझते हैं, फिर उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊंगा, ठीक है। तो लिंकेज क्या है बच्चा? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है? आर द फिनोमिना दैट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ जीन। ये एक फिनोमिना है जो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, इनहेरिटेंस का मतलब बच्चा आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है और इसका मतलब आपको पता है। ये फिनोमिना है जो डिस्क्राइब करता है इनहेरिटेंस ऑफ जीन। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस, है ना, दिस इज द प्रोसेस। ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स में, कुछ याद आया, है ना, वही चीज़ आई है इनहेरिटेंस। बस इनहेरिटेंस किसका है? जीन्स ट्रांसफर, जीन्स का ट्रांसफर कहाँ से? पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज इनहेरिटेंस, ठीक है, यही चीज है। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है? लिंकेज का मतलब है लिंक, किसी का किसी के साथ लिंक होना, और उस चीज को हम समझेंगे आगे। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर द फिनोमिना दैट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ जीन, जो डिस्क्राइब करता है इनहेरिटेंस ऑफ जीन को, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब आपको पता है, जीन्स, यू ऑल्सो नो दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट जो बताया गया है, क्या बताया गया है? लिंकेज, इन लिंकेज, लिंकेज के अंदर टू और मोर जीन्स लिंक टुगेदर आर ऑलवेज एंड इनहेरिटेड टुगेदर इन द सेम कॉम्बिनेशन फॉर मोर देन टू जनरेशन, ठीक है। तो क्या कहा गया है? तो लिंकेज क्या है? कहते इन लिंकेज, लिंकेज के अंदर टू और मोर जीन्स, दो से और ज़्यादा जीन्स, लिंकेज में दो से ज़्यादा जीन्स होते हैं जो कि लिंक्ड होते हैं टुगेदर ऑलवेज, मतलब कि लिंक्ड रहते हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं ऑलवेज, इनहेरिटेड टुगेदर इन द सेम कॉम्बिनेशन, जो कि सेम कॉम्बिनेशन में होते हैं, कंबाइंड लगा लो, सेम कंबाइंड होते हैं, और मोर देन टू जनरेशन, मोर देन दो से ज़्यादा जनरेशन में, ठीक है। और वेयर एज इन रिकॉम्बिनेशन द जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड विच लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइट,
क्या है बच्चा ये, क्या कहा गया है, कहते वेयर एज इन रिकॉम्बिनेशन, कहते वेयर एज इन रिकॉम्बिनेशन के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो एक्सचेंज होता है ना, बट लिंकेज में क्या होता है, जीन्स लिंक्ड होते हैं हमेशा, ठीक है, वो सेम कॉम्बिनेशन का ही आगे बनाते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। लाइक जैसे कि पेरेंट है तो बच्चा भी कहते सेम पेरेंट की तरह है, लिंक्ड है बिल्कुल, ठीक है ना, लिंकेज है वहां पर। वैसे ही रिकॉम्बिनेशन में क्या कहा गया है, रिकॉम्बिनेशन इन रिकॉम्बिनेशन द जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज, वहां पर जेनेटिक मटेरियल आगे एक्सचेंज होता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, वो जाकर आगे ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन करता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइट, ठीक है। अब एक बार इस लिंकेज को मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे है। तो देखो बच्चा लिंकेज क्या है, जैसे कि ये हमारा एक क्रोमोजोम है, ठीक है, क्रोमोजोम्स के अंदर लिंकेज को समझो, क्रोमोजोम के अंदर लगा लो एक जीन्स है, ठीक है, और ये सेम ही एक ही पेरेंट पे प्रेजेंट, लाइक जैसे कि ये लगा लो ये ए है ना, ये ए है, और इसी पे ही लिंक्ड बिल्कुल साथ, जिसमें डिफरेंस बिल्कुल कम है, डिस्टेंस बिल्कुल कम है, ये लगा लो बी, ठीक है, ये लगा लो बी, ठीक है। तो ये क्या है, जीन्स एक जी, जीन ए और जीन बी। तो इससे क्या समझ आ रहा है हमें, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जो लिंकेज है ये क्या है, एक तरह का ये है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है ना बच्चा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था, कोई भी जीन किसी को भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा था, लाइक अगर कोई फेस का जीन है, करेक्टर है, तो वो फेस के करेक्टर को शो कर रहा है, लाइक अगर कोई स्किन का है तो वो स्किन का काम कर रहा है, कोई भी किसी में कोई दिक्कत नहीं दे रहा। बट इसमें क्या है, और वो दूर दूर है, उसमें डिस्टेंस बहुत दूर था, वह तभी लॉ ऑफ असॉर्टमेंट तभी ही लागू हो रहा था। बट ये लिंकेज कैसा है, लिंकेज मतलब लिंक्ड, जिसमें डिस्टेंस बहुत कम है, इसमें डिस्टेंस बहुत कम रहेगा जीन्स में, तभी ये लिंकेज की प्रोसेस हो पाएगी, और लिंकेज तभी माना जाएगा जब जीन्स में डिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है। लाइक अगर ए यहां पर है तो बी बिल्कुल इसके साथ, डिस्टेंस कितना, बहुत ज्यादा कम, तो लिंकेज उतनी ही ज्यादा। सो इससे हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो ये क्या है, ये लिंकेज है, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखा कि इसमें डिस्टेंस बहुत कम होता है जीन्स में, तभी लिंकेज हमारी हो पाती है, ठीक है, लिंकेज मतलब लिंक्ड होना, ओके बच्चा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लिंकेज की टाइप्स की, ठीक है, हम लिंकेज की टाइप्स भी करेंगे आगे, है ना। और आज हम एक ऐसी चीज़ जो कि बच्चों को बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि मेरा मकसद क्या है बच्चा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देना, ठीक है। तो मैंने देखा कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में ना बच्चे बहुत दिक्कत आ रही थी उन्हें, किस चीज़ में आ रही थी, जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 83 के बाद है ना, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो राइट साइड पे एक पैराग्राफ सा दिया हुआ है, वो तो कहीं ना कहीं तुम कर लोगे, बट उसके बाद जो इतनी बड़ी लाइक उसे समझाया गया है एज अ डायग्राम के तौर पर, है ना, क्रोमोजोम्स को लेकर, क्रॉस ए क्रॉस बी, तो उस चीज़ को भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ समझ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या पता बोर्ड में या फिर कहीं पर भी आपसे क्या पूछ लिया जाए, मैं आपको वो भी आज समझाऊंगा, ठीक है ना बच्चा। तो पहले इस चीज़ को समझो, लिंकेज आपको पता लग गया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें लिंकेज की टाइप्स की, ठीक है, लिंकेज आगे दो तरह का होता है, लिंकेज आगे दो तरह का होता है, विच इज ऑल्सो कंप्लीट लिंकेज एंड सेकेंड वन इज अनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट अनकम्प्लीट, जो कि कंप्लीट नहीं है। लिंकेज कंप्लीट मतलब जो कि कंप्लीट है, लाइक कैसे, है ना, इस चीज को भी समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट लिंकेज, ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ लिंकेज एंड देन फर्स्ट इज कंप्लीट लिंकेज। सो इसमें क्या कहा गया हमारे, कहते द जीन्स
द जीन इज लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम डू नॉट सेपरेट एंड आर इनहेरिटेड टूगेदर ओवर द जनरेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्या कहा गया है, मतलब कि सीधा समझो, कंप्लीट लिंकेज क्या है, ये वो लिंकेज है जिसमें जीन्स लोकेट करते हैं सेम क्रोमोजोम पर, जिसमें लिंकेज होती है पूरी अच्छे से, लाइक 100% लिंकेज हो. ठीक है, 100% लिंकेज कैसे, आपको ये भी बताऊंगा कितने परसेंटेज किस में होती है और कैसे होती है. ठीक है, तो पहले आप समझो क्या मैं कह रहा हूँ, सुनो पहले अच्छे से. ये वो जीन है जो कि लोकेट करते हैं सेम क्रोमोजोम पर, सेम क्रोमोजोम बच्चा, डू नॉट सेपरेट एंड आर इनहेरिटेड टूगेदर, जो कि सेपरेट नहीं होते एंड आर इनहेरिटेड टूगेदर ओवर द जनरेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, इनहेरिटेड होते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली जनरेशन में जाते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, लाइक ये समझो, ये मैंने बताया था यहां पर कि ये लिंकेज है. ठीक है, डिस्टेंस बहुत कम होगा, जीन एक पर ही होंगी. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर एक ये है हमारे पास, अगर हमारे पास एक क्रोमोजोम और है लाइक, तो बच्चे जैसे एक ये क्रोमोजोम है, इसमें इसमें भी लिंकेज है. ठीक है, लाइक ये ए यहां पर जीन है. ठीक है, और इसके साथ ही एक और जीन है विच इज बी. ठीक है, लाइक ये स्मॉल हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा. तो ठीक है, तो ये स्मॉल ए है, एक और जीन है विच इज ऑल्सो एक बी. ठीक है, स्मॉल बी होगा. ठीक है, तो इसमें देखो लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज मैं कैसे समझा रहा हूं आपको, अगर इसमें क्रॉस ओवर करवाया, ठीक है, क्रॉसिंग करवाई. ठीक है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अदला बदली सी हो जाती है ना, क्रॉस करवाने पर होती ही है, क्रॉस करवाएंगे जैसे मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं ना, लाइक है ना, तो होता तो ऐसे लाइक ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, लाइक है ना कुछ ऐसा. बट इस लिंकेज में क्या होता है, जैसे ही ऊपर पेरेंटल जनरेशन होती है, जैसे ही ऊपर पेरेंटल जनरेशन होती है वैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, लाइक ये पेरेंटल जनरेशन है, यहाँ पर ये पेरेंटल जनरेशन है, तो आगे इसका क्रॉस ओवर करवाने के बाद सेम वैसा ही, लाइक ये क्रोमोजोम लगा लो एक. ठीक है, तो सेम ये ऐसा ही यहां पर क्या है, ए और ए और बी स्मेल सेम कैपिटल 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 ए, और यहां पर ऐसा लाइक क्रोमोजोम हो तो लाइक ए और बी, मतलब कि फर्क नहीं, वैसे ही जीन्स आ जाते हैं. तो ये क्या है, ये अगर 100% यहां पर ऐसा हो रहा है, लिंकेज में होता ही है ना, ये रेयर केसेस हैं, बट ये होता है जब क्रोमोजोम में क्रॉस करवाने पर वही पेरेंट आ जाता है सेम सेम एज इट इज पेरेंट की तरह. वो क्या है बच्चा, वो है हमारा कंप्लीट लिंकेज, विच इज कंप्लीट लिंकेज. ठीक है, क्रॉस करवाने पर सेम, ठीक है, वही कहा गया है जीन्स लोकेटेड जो कि सेम क्रोमोजोम पर होते हैं, जो सेपरेट नहीं होते, आगे भी बढ़ते हैं, जनरेशन भी उनकी आती है क्रॉस होने के बाद भी, वो आगे भी पेरेंट की तरह ही रहते हैं, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट लिंकेज. ठीक है, तो सेकंड क्या कहा गया है, सेकंड कहा गया है कि कंप्लीट लिंकेज. ठीक है बच्चा, कंप्लीट लिंकेज अलो द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल ट्राइट टू बी इनहेरिटेड एज सच. भी वही चीज, कंप्लीट लिंकेज है, वो कॉम्बिनेशन करती है पेरेंट की तरह ही, आगे उसके ट्राइट इनहेरिटेड होते रहते हैं. ठीक है, और थर्ड वन इज ऑल्सो इट इज अ रेयर. मैंने पहले ही कहा था कि ये जो केसेस हैं वो रेयर है, इट इज अ रेयर बट हैज बीन रिपोर्टेड इन मेल डोर्सोफिला एंड सम अदर हेट्रोगेमेटिक ऑर्गेनिज्म. ये रेयर केसेज में होता है, बट किस में पाया गया, मेल डोर्सोफिला में एंड सम अदर हेट्रोगेमेटिक ऑर्गेनिजम्स. हाँ, तो बच्चा एक चीज और, मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि सर डोर्सोफिला ही क्यों लगा गया, जेनेटिक्स में हमने बहुत बार पढ़ लिया डोर्सोफिला डोर्सोफिला, तो इसे ही क्यों लिया गया, है ना. तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बताने में, मुझे बहुत मज़ा आया.
इसके इसका कारण ये था कि जो ये डोर्सोफिला होता है ना, तो ये डोर्सोफिला होता है, ये 2 वीक का इसका लाइफ साइकिल होता है पहले तो, ठीक है, इसका 2 वीक का ही लाइफ साइकिल होता है। और इसके अलावा इसे ईजली लैब्स में ग्रो किया जा सकता है, ठीक है, ग्रो ईजली इन लैब्स, ठीक है। सो दैट्स वाई जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे ही लाइक आर एच मॉर्गन, उन्होंने इस पर ही ज़्यादा स्टडी की। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा मेरा, और मैंने आपको कहा था कि आपने उस लास्ट पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, और मेरा एक क्वेश्चन भी था, आपने उसका आंसर भी देना है, ठीक है। मैं आपको जो भी होमवर्क देता हूँ, मैं अपनी लास्ट क्लास में आपको वह सारे प्रॉब्लम्स के आंसर्स अच्छे से समझाऊंगा, और जो बच्चा फर्स्ट आएगा हम उसका नाम भी अनाउंस करेंगे इन क्लासरूम। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज़ अ रेयर बट हैज़ बिन रिपोर्टेड इन मेल डोर्सोफिला एंड सम अदर हेट्रोजाइगस हेट्रोगेमेटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है बच्चा, वो था हमारा कम्प्लीट लिंकेज, दिस इज़ अ फर्स्ट टाइप ऑफ लिंकेज, बट सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज का क्या मतलब होता है, जिसमें लिंकेज कम्प्लीट ना हो, है ना। तो फिर बच्चे कहेंगे कि सर लिंकेज तो कंप्लीट नहीं है, है ना, तो ये तो पहले ही पहले जो हम जैसे पढ़ रहे हैं वही चीज़ आ गई है, तो है ना, पहले भी कौन सा मतलब कि लिंकेज का मतलब क्या है, सेम सेम प्लेस पर क्रोमोसोम्स का होना, और इनकम्प्लीट का फिर क्या मतलब होगा, जो कि लिंकेज नहीं है वही इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट नहीं हुई तो इसका मतलब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, कुछ ऐसा, है ना। तो चलो पहले आप पढ़ते हैं और इसे समझते हैं का क्या कहा गया है इनकम्प्लीट लिंकेज में, ठीक है। तो इसमें देखो, जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोजोम हैव टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड हेंस प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेट प्रोजनी बिसाइड द पेरेंटल टाइप। तो जो जीन्स हैं प्रेजेंट तो होते हैं सेम क्रोमोजोम पर, देखो इनकम्प्लीट है, सुनो ध्यान से, इनकम्प्लीट है, पर है तो एक तरह की लिंकेज ही ना, लिंकेज तो आया ना वर्ड, लिंकेज का मतलब कि इसमें कुछ ना लिंकेज का कुछ तो होगा, चाहे इनकम्प्लीट है बट लिंकेज तो होगा, ठीक है। तो जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोजोम्स हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, जिसमें टेंडेंसी तो होगी सेपरेट होने की, वहां पर क्या हो रहा था, पेरेंट से पेरेंट, लाइक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग हो रहा है तो सेम एज इट इज पेरेंट की तरह, बट यहां पर टेंडेंसी होगी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड हैंस प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेट प्रोजनी, आगे जो जनरेशन आएगी पेरेंटल टाइप की नहीं हो सकती, वो रिकॉम्बिनेट हो सकती है, दोबारा से उसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर लाइक प्रॉपरली लिंकेज नहीं होगी, 100% लिंकेज नहीं होगी, हाँ वो क्या होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज। सो सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है, द नंबर, क्या बच्चा, द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल इज यूजली लेस देन द नंबर ऑफ एक्सेप्टेड इन इंडिपेंडेंट असोटमेंट। कहते जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल हैं वो यूजली लेस हैं देन द नंबर ऑफ एक्सेप्टेड इन इंडिपेंडेंट असोटमेंट, ठीक है। पता लग गया आपको बच्चा, अब क्या क्या है, हमने हमने अब तक क्या किया है बच्चा, हमने लिंकेज का लिंकेज के वर्ड का मतलब समझाए, फिर लिंकेज की डेफिनेशन और लिंकेज को समझाए, फिर उसके टाइप्स को समझाए, ठीक है ना बच्चा, लिंकेज लिंकेज की डेफिनेशंस उसको समझा, लिंकेज क्या है, उसके बाद उसकी टाइप्स, देन आगे हम पढ़ते हैं फिर से लिंकेज के कुछ डायग्राम को लेकर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये सिंपली जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, लाइक है ना, क्रोमोसोम्स लिए हैं, उसमें क्रॉस करवाया, क्रोमोसोमल क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर यहाँ पर देखो, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स, उसके बाद देखो इसका ये जब क्रॉस हुआ, ये ऑरेंज वाला ब्लू में आ गया और ब्लू वाला ऑरेंज में थोड़ा सा चला गया, तो इसमें करेक्टर्स देखो, यहाँ पर ऊपर ए बी सी था, तो यहाँ पर देखो ए बी सी, यहाँ पर देखो ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सेम एज इट इज लाइक दिस, है ना।
और यहाँ पर ए बी सी कैपिटल, सिर्फ सी में देखो, सी में चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये क्या है, ये क्या है बच्चा, ये कंप्लीट कंप्लीट लिंकेज है ही नहीं, इसमें 100% लिंकेज तो नहीं हुई ना, 100% लिंकेज नहीं हुई वहां पर देखो, लाइक 1%, लाइक सी चेंज हो गया है ना, क्रॉसओवर हुआ और सी कैपिटल वाला इधर हो गया, स्मॉल वाला उधर हो गया है ना। तो इसमें इसको हम ऐसे नहीं कह सकते सेम एज इट इज पेरेंट, कुछ तो चेंज आया है, लाइक लिंकेज हुई है थोड़ी सी, ठीक है ना, सॉरी लिंकेज इसमें थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, बाकी तो सारा सेम ही है ना, कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पर समझने को मिल रहा है। दिस इज़ अ ऑल्सो क्रॉस ओवर, इसमें सिर्फ क्रॉस ओवर बताया गया है, ठीक है। तो बच्चा अब तक हमने ये देख लिया, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेस पर, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बेस पर। उससे पहले मैं आपको आपकी एनसीईआरटी की वो जो डायग्राम है ना, एनसीईआरटी की वो जो डायग्राम है उसको समझा दूं कि उसमें आपको जो ये रही। हाँ तो ये चीज़ है बच्चा जो बच्चों को समझ नहीं आती, ये 83 पेज नंबर, लाइक 84 पर है ये, यस ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखो ये क्रॉसओवर है, मैंने आपको लाइक फर्स्ट और सेकंड क्लास में इसके मतलब को बताया था, किसके मतलब को, देन मेल, तो वाइल्ड टाइप वाला मेल है और येलो वाइट वाला ये फीमेल है, बट है ये कौन से, पेरेंटल, क्या है बच्चा, पेरेंटल। तो इसमें देखो क्रॉसओवर होगा, ठीक है, इन दोनों में ही होगा, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है बच्चा डोमिनेंट, वाइल्ड टाइप वाला डोमिनेंट होता है, ठीक है। और ये बात को समझो, यहां पर कैपिटल स्मॉल वाई और डब्ल्यू, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू, यहां पर स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू जो भी है, ठीक है, इसका देखो सेम एज इट इज आया नीचे F1 जनरेशन, सेम एज इट इज आया, आया कि नहीं आया, आया ना, सेम एज इट इज आया, वाइल्ड टाइप हो ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वाइल्ड टाइप क्रॉस ओवर होने के बाद। यहां पर क्रॉस ओवर तो हुआ बट लिंकेज हुई, लिंकेज हुई सेम एज इट इज, जीन वहीं के वहीं पड़े रहे, जीन्स में कोई चेंज नहीं आया, जीन्स वहीं के वहीं पड़े हैं, दैट इज ऑल्सो लिंकेज। लिंकेज का मतलब सेम क्रोमोजोम पर वही चीज पर वही सेम एज इट इज जीन्स का पड़े रहना, एक का दूसरे के साथ लिंक होना, दोनों देखो साथ में ही है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो भी है दोनों सेम साथ हैं, तो दिस इज अ लिंकेज हियर, ओके। सो ये F1 जनरेशन है, और यहां पर देखो दिस इज F1 जनरेशन, उसके बाद देखो यहां पर ये आगे पेरेंटल है ना, जो भी बना आगे इन दोनों में क्रॉस ओवर करवाया, इन दोनों में क्रॉस ओवर करवाने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आए, जो पेरेंटल टाइप लाइक लिंकेज, पेरेंटल टाइप मतलब लिंकेज, यहां पर लिंकेज हुई है, प्रॉपरली लिंकेज हुई है, ठीक है। तो ये पेरेंटल टाइप यहां पर कितने हैं भी, जैसे कि ऊपर थे वैसे ही ऑफस्प्रिंग में बने सेम एज इट इज, वो कितने, वो है 98.7, दिस इज ऑल्सो लिंकेज, यहां पर लिंकेज हुई है 98.7। एंड रिकॉम्बिनेशन, ये इसका मतलब बच्चा रिकॉम्बिनेशन, यहां पर लिंकेज नहीं हुई, और मतलब कि लिंकेज यहां पर ज्यादा हुई और यहां पर क्या हुई, रिकॉम्बिनेशन हुई, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, यहां पर रिकॉम्बिनेशन हुई, जिट इज ऑल्सो 1.3%। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि लिंकेज ज्यादा है, ठीक है। हाँ ये कंप्लीट लिंकेज नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 1.3% इसमें भी आ गया है ना रिकॉम्बिनेशन, तो हम इसे कंप्लीट नहीं कहेंगे, बट हाँ कई बार हमारे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और हमें ऑप्शंस और नहीं दी जाती, और इसी को ही हमें फिर कंप्लीट पर टिक करना होगा, क्योंकि हम ज़्यादा वाले को ही पहले टिक करते हैं, तो है ना थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क को यूज़ कर कर इसे ही टिक करना होगा, है ना, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट वन बच्चा F2 जनरेशन में भी यही है, F2 जनरेशन में भी यही पूछा गया है, F2 जनरेशन में भी सेम है, लाइक व्हील टाइप येलो टाइप है ना। तो यहाँ पर जीन्स चेंज नहीं होंगे, सेम 98.7%, 1.3% रिकॉम्बिनेंट है ना। तो दिस इज अ क्रॉस ए, क्या है बच्चा, क्रॉस ए, यहाँ पर क्रॉस ए लिया गया है, ठीक है, क्रॉस ए। और इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी आगे, ये है क्रॉस बी, सॉरी क्रॉस बी, ठीक है। उसके बाद क्रॉस बी में क्या कहा गया है, यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल एम, कैपिटल
कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम वाइट एंड मिनी मिनिएचर मिनिएचर ठीक है. देन दिस इज अ फो फीमेल दिस इज अ फो मेल ठीक है. तो उसके बाद यहाँ पर देखो सेम वैसा ही क्रॉस होगा. क्रॉस होने के बाद ये विल्ड टाइप वहाँ यहाँ पर भी लिंकेज तो होगी पेरेंटल टाइप होंगे बट कितनी लिंकेज होगी बच्चा यहाँ पर कितनी होगी यहाँ पर बच्चा लिंकेज देखो इसमें लिंकेज कम हुई है क्यों हुई है और इसमें लिंकेज ज़्यादा हुई है क्यों हुई है. मैंने कितनी बार पहले भी कह दिया अब भी कह रहा हूँ कि जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा कम होगा जहां पर डिस्टेंस जीन्स का कम होगा वहां पर लिंकेज ज्यादा होगी जहां पर डिस्टेंस कम होगा वहां पर लिंकेज ज्यादा होगी. तो यहां पर देखो जीन्स कहाँ है बहुत नजदीक है ना तो यहां पर लिंकेज ज्यादा है विच इज ऑल्सो 98.7. अगर बिल्कुल ही साथ साथ होते तो कितना होता 100% भी हो सकता था है ना. और इसे हम क्या कह सकते हैं दिस इज अ वेरी क्लोज टू इच अदर दिस इज अ प्रॉपरली लिंकेज भी कह सकते हैं ना 98.7 है ना. तो यहां पर देखो कितने दूर दूर क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं तो यहाँ पर देखो कितनी लिंकेज हुई है बच्चा 62.8% है ना. ये ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं ना बीच में और ये कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम है ना दिख रहा है ना. तो कितने दूर दूर हैं दूर दूर हैं तो कितनी लिंकेज हुई है बच्चा 62.8% दिस इज अ लिंकेज. एंड रिकॉम्बिनेशन कितनी हुई बच्चा और लिंकेज का मतलब यहाँ पर पेरेंटल टाइप मतलब कि जैसे पेरेंट के बने हैं वैसे ही बट रिकॉम्बिनेशन में मतलब कि यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन हो गया किसी और चीज का है ना. जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू है बाकी येलो है ना. तो यहाँ पर देखो हाफ सा येलो है हाफ सा ब्लू है तो यहाँ पर मिक्सिंग सी हो गई है ना. यहाँ पर मिक्सिंग नहीं वैसे ही है सेम पेरेंटल टाइप यहाँ पर मिक्सिंग हो गई. दिस इज अ रिकॉम्बिनेशन हो गई यहाँ पर बच्चा क्या होगी रिकॉम्बिनेशन हो गई. ये कितने परसेंट है ये 37.2 ये तो 100% हम कह सकते हैं दिस इज अ इनकम्प्लीट लिंकेज ठीक है. दिस इज इनकम्प्लीट लिंकेज तो इससे हमें रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही समझ आ गया. यहाँ पर तभी कह रहा था ना इस रिकॉम्बिनेशन भी पढ़ाऊंगा तो यही है बच्चा रिकॉम्बिनेशन लिंकेज मतलब जैसे कि पेरेंट है वैसे ही आगे ऑफस्प्रिंग बना सेम बना कोई भी बच्चे के और पेरेंट में कोई फर्क नहीं है तो वो क्या है लिंक्ड है लिंकेज है वहां पर. रिकॉम्बिनेशन मतलब कि थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई रिकॉम्बिनेशन हो गया थोड़ा सा है ना डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा है ना. तो ये क्या है रिकॉम्बिनेशन है बच्चा क्या है बच्चा रिकॉम्बिनेंट है रिकॉम्बिनेंट टाइप है बच्चा. दिस इज ऑल्सो यहाँ पर 37.2 और पेरेंटल टाइप 62.8 ठीक है. लिंकेज थोड़ी सी ज्यादा है रिकॉम्बिनेशन कम है बट यहाँ पर हम कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट ही कहेंगे क्योंकि देखो अगर कंप्लीट 100% को कंप्लीट कहते हैं फिर भी हम 98.7 को घोषित कर सकते हैं और ये तो बहुत ही कम है 62.8. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिंकेज दिस इज अ इनकम्प्लीट लिंकेज ठीक है बच्चा. सो नेक्स्ट वन इज ये था हमारा हमारा वही जो एनसीईआरटी का था जो बच्चों को दिक्कत दे रहा था. अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आपसे आप मुझे कभी पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है बच्चा इसके बेस पर थोड़े से क्वेश्चंस ठीक है. फर्स्ट मैं थोड़े से आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा लाइक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ये डिफरेंट कैसे हैं पढ़ लो समझ आ जाएगा कैसे लिंकेज हेल्प टू कीप द जीन्स टुगेदर इन द सेम क्रोमोसोम वेयर एज अ रिकॉम्बिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर डीएनए सेगमेंट सेपरेट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इन मायोसिस ठीक है. और नेक्स्ट वन इज विच पर्सन डिस्कवर्ड लिंकेज किस पर्सन ने लिंकेज को डिस्कवर किया. लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम बैटिसन ठीक है. यही सारे इतने बड़े साइंटिस्ट वाह है ना ये पनट है ना रेगिनॉल्ड पनट ये इनका हाथ है सभी का अपने ये लिंकेज को लाने में ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा आपसे बच्चा कभी भी पूछ लिया जा सकता है साइंटिस्ट के नेम है ना पूछ लिए जा सकते हैं आपसे सीबीएसई में नीट में कहीं पर भी इसके तो नाम आने ही चाहिए है ना. जितने ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम याद रखोगे उतना ही फायदा होगा ठीक है. क्योंकि बहुत कुछ दे गए हैं बच्चा हमें ये साइंटिस्ट तो इनके नाम याद रखना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है. तो ये दो क्वेश्चन हैं ठीक है समझने हैं बच्चा आपको समझ आनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत पढ़ा दिया आपको. लिंकेज क्या है जो हेल्प करता है जीन्स टुगेदर इन द सेम क्रोमोसोम में लिंकेज होते हैं दैट इज लिंकेज सेम क्रोमोसोम में जीन्स दैट्स लिंकेज एंड वेयर एज अ रिकॉम्बिनेशन ये प्रोसेस है वेयर डीएनए सेगमेंट्स सेपरेट यहाँ पर डीएनए सेपरेट होता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इन द मायोसिस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंस हो जाता है ठीक है सेम नहीं रहता लिंकेज की तरह नहीं है लाइक रिकॉम्बिनेशन. तो एक चीज़ यहाँ पर हमें ये समझ आ रही है
आप ये भी लिख लो कि लिंकेज एल इज ये बच्चा लिख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिकॉम्बिनेशन लिंकेज के, ठीक है। दैट्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझो बच्चा, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपको ये दो क्वेश्चन आशा करता हूँ अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड है, एक क्वेश्चन का आंसर आपने खुद देना है, एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप मैं क्यों दूंगा, खुद करो, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करो और खुद करो फटाफट, इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू, रिपल्शन एंड कपलिंग आर टू फेसेस ऑफ, रिपल्शन एंड कपलिंग आर टू फेसेस ऑफ म्यूटेशन, ये क्या है, चीज मेटा लिंकेज क्रॉसिंग ओवर। तो इसका आंसर ये क्या है, लिंकेज। यू ऑल्सो नो दैट, इतना सारा पढ़ा दिया अब तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो जाकर देखो, ठीक है बच्चा। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला ही है, कभी भी आ सकते हो आप, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, इसका मतलब समझाऊंगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए बच्चा, ठीक है। दिस इज अ, क्या कहा गया है, दिस इज अ रीजन व्हाई मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज लिंकेज। हाँ बच्चा, तो एक बात ये समझो कि जो मेंडल साहब थे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनके एक्सपेरिमेंट्स में लिंकेज का कोई रोल नहीं आया, है ना। रिकॉग्नाइज लिंकेज फिनोमेना इन दिस एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट्स में लिंकेज आया ही नहीं कभी, है ना। सेम पेरेंट बना ही नहीं कभी, पेरेंट की तरह बच्चा बना ही नहीं कभी, है ना। उनमें लिंकेज आया तो शायद बहुत कम, बहुत कम, तो वो लिंकेज फिर हुआ ही नहीं एक तरह से, है ना। तो शायद मतलब कि लिंकेज आ ही नहीं पाया उनके एक्सपेरिमेंट्स में, तभी शायद मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज लिंकेज, है ना। सो इसके रीजंस बताना है, रीजंस जो कि ऑप्शंस में दिए गए, लाइक ही स्टडी ओनली प्योर प्लांट्स, कहते क्या वो स्टडी प्योर प्लांट्स पर कर रहे थे, ये कारण हो सकता है। या फिर बी कहते ही डिड नॉट हैव अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, या फिर उनके पास पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं था जो कि लिंकेज को देख पाए, है ना, ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है। सी क्या है, करैक्टर्स ही स्टडीड वेयर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, जो करैक्टर थे वो स्टडी कर रहे थे वो सिचुएटेड ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम पर ही आ रहे थे से हमेशा, तो उन्हें लिंकेज के बारे में पता ही नहीं चला भी, लिंकेज आ ही नहीं पाया उनके कभी, है ना, एक्सपेरिमेंट्स करते समय, तो उन्हें उसके बारे में स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही उन्हें पता चला। सो फोर्थ वन इज मैनी क्रोमोजोम टू हैंडल, उन्होंने काफ़ी क्रोमोजोम्स टू हैंडल किए, है ना, हैंडल कर लिया, मतलब कि इसके ऑप्शंस हैं ये, और इसका आंसर मुझे चाहिए। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, समय। तो इसका आंसर बच्चा कोई भी हो सकता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना है, ठीक है बच्चा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो आज के लिए बच्चा इतना ही, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ, ठीक है बच्चा। तो आज हमने पढ़ा लिंकेज क्या है, लिंकेज का मतलब, लिंकेज की डेफिनेशन, लिंकेज के बारे में, ठीक है, और लिंकेज की टाइप्स, कंप्लीट इनकम्प्लीट, उसके बाद उसको थोड़ा सा डायग्राम के तौर पर समझा, मैंने खुद आपको अच्छे से समझाया डायग्राम के तौर पर, उसके बाद हमने एनसीईआरटी बेस्ड भी किया, एनसीईआरटी की वो डायग्राम जो आपको कभी समझ नहीं आ रही थी वो उसको भी मैंने समझाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए, लाइक थोड़े से एमसीक्यू, थोड़े से ये वाले, है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और मैंने इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, लिंकेज इज रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, लाइक जो भी है, ठीक है, इसको समझा हमने। और उसके बाद हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी किए लाइक दो चार, और इसका आंसर, सेकंड वाले का आंसर मुझे चाहिए बच्चा कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द, जो बच्चा फर्स्ट पर इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर देगा उसका क्लास में नाम भी अनाउंस होगा, ठीक है बच्चा। तो थैंक यू बच्चा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगला कोई नया टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एनसीईआरटी का, वही शुरू करेंगे। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चा।